2022 में तिथि तो सेम है लेकिन तारीख में सबको बड़ा विकल्प है। दीपावली 24 को मनाएं या 25 को मनाएं। देखिए, जब जब हम दीपावली मनाते हैं हस्त नक्षत्र होता है और अमावस्या होती है, तभी दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल 25 तारीख को सूर्य ग्रहण होने से हमारी दीपावली 24 तारीख से शुरू होगी, क्योंकि 24 तारीख को शाम 5:27 तक चतुर्दशी है। उसके बाद 25 अक्टूबर 4:18 तक अमावस्या रहेगी, उसके बाद अमावस्या समाप्त हो जाएगी। इतने समय में हम लोग दीपावली का त्यौहार मना सकते हैं, दीपावली पर्व मना सकते हैं। तो 24 तारीख को हम जब हम दीपावली पूजन करें उसका सही जो मुहूर्त है वह शाम को 6:53 से रात्रि को 8:16 तक का सबसे अच्छा मुहूर्त है। आप इस मुहूर्त में महालक्ष्मी की पूजन जो करते हैं, गौतम स्वामी की जो आराधना करते हैं, इस समय पूरी आत्मीयता के साथ वह पूजन कर सकते हैं। आराधना और आत्मीयता के साथ भगवान के साथ आत्मध्यान कर सकते हैं। इसके बाद एक अभिजीत नक्षत्र आता है। इस अभिजीत नक्षत्र में जो खरीदारी करना चाहते हैं वह अभिजीत नक्षत्र 11:59 से प्रारंभ होगा और 12:40 तक। तो जो चीज़ आप घर के लिए खरीदना चाहते हैं वह आप अभिजीत नक्षत्र में खरीदें। इसके अलावा एक और नक्षत्र आता है, एक और मुहूर्त है, विजय मुहूर्त। वह दोपहर 2:18 से 3:04 तक है। आप इसमें भी खरीदारी कर सकते हैं और पूजन की सामग्री भी आप इस समय खरीद सकते हैं। इसके बाद एक और मुहूर्त है जिसे गौधूली बेला कहते हैं। गौधूली बेला शाम को 5:58 से प्रारंभ होगी और 6:22 तक रहेगी। आप इस समय घर की पूजन भी कर सकते हैं, भगवान की आरती भी कर सकते हैं। इसके बाद सायंकाल के बाद 6:10 से 7:24 तक भी एक अच्छा मुहूर्त है। इस समय भी आप पूजन और आरती कर सकते हैं। इसके बाद निशिता मुहूर्त रात्रि को 11:58 से और 12:48 तक आप पूजन और आरती, ध्यान, आत्मचिंतन कर सकते हैं। कुछ ऐसे मुहूर्त हैं, इस मुहूर्त में आप शुभ दीपावली शुभता के साथ, शुभ भावना के साथ मना सकते हैं। आपकी यह दीपावली शुभ मुहूर्त में हो, शुभकारी हो, कल्याणकारी हो, इसीलिए ये सारे मुहूर्त मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। अभिजीत नक्षत्र में बच्चों के लिए कुछ पेन, लेखनी आदि खरीद सकते हैं। विजय मुहूर्त में अपने पति के लिए, व्यापारी के लिए कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हैं। इसके बाद गौधूली बेला में घर से संबंधित कोई भी चीज़ें हम लोग खरीद सकते हैं। संध्या काल में हम लोग भी परिवार में जो पूजन की सामग्री है उसे भी हम अच्छे तरीके से खरीद सकते हैं। रात्रि काल का जो समय होता है उस समय हम लोग आरती, धर्म ध्यान, जाप, साधना कर सकते हैं। यह शुभ मुहूर्त आपके लिए दीपावली के लिए शुभकारी हो, कल्याणकारी हो, यही हमारी भावना है। यह त्यौहार आपके लिए 24 तारीख को ही मनाना है, लेकिन जो जैन हैं वो 25 तारीख को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण समय पर लाड़ू समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद यदि किसी का नियम है कि दिन में ही पूजन करना है तो वह अभिजीत नक्षत्र पर पूजन कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त है, शुभ नक्षत्र है, उस समय भी आप पूजन करके अपने इष्ट फल की प्राप्ति कर सकते हैं। कहने का अर्थ है इतने सारे मुहूर्त बता दिए हैं, अब जैसा आपका सही समय निकले उस समय आप अपने धार्मिक पद्धति से, अपनी पारंपरिक पद्धति से
पूजन पाठ करें, यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आपकी दीपावली शुभ हो, कल्याणकारी हो और आपके लिए मूर्त रूप लेने वाली हो, यही मेरी भावना है।